वेलकम बैक बच्चों। कैलकुलस में हमें सीखना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। काफी काम का टॉपिक है, बहुत ही काम आता है, एक आध क्वेश्चन कंपटीशन में फंस ही जाता है इससे। तो मैक्सिमा मिनिमा में किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और ये एग्जैक्ट मेथड है। अगर आप कैलकुलस यूज नहीं करते हैं किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपको एक मास ऑब्जेक्ट दिया है। अब आपसे कहा गया इसके दो टुकड़े कीजिए, आपने दो टुकड़े किए, अब आपसे पूछ रहे हैं वो दो टुकड़े क्या हों, आधा आधा, एक चौथाई, तीन चौथाई, एक तिहाई, दो तिहाई। इन टुकड़ों को हम जब सर्टेन डिस्टेंस पर रखें तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो। अब आपके पास एक तरीका तो है कि आप हिट एंड ट्राई करते रहें कि ये टुकड़ा बनाया, वो टुकड़ा बनाया, उससे कितना होगा, या फिर आप एग्जैक्ट मेथड लगाएं। क्योंकि आप हिट एंड ट्राई अगर करते हैं, यानी अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, तो गारंटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि हाँ पर्टिकुलर इस वैल्यू के लिए ही फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। पर अगर हम मैक्सिमा मिनिमा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम समय में, कम जगह में, यानी कम कैलकुलेशन में एक कंक्लूसिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझते हैं, फिर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट। इन मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद विच ए फिजिसिस्ट और ए वर्किंग इंजीनियर इज फेस्ड, इट इज नेसेसरी to find the greatest or least value of some functions and also the corresponding value of the variable for which it gives the desired result. Such values are called the turning values, jahan par function badal raha hai, or extremum of the functions, and the points are called the critical points. To aap andaaza laga sakte hain hum kin points ki baat yahan pe kar rahe hain, critical points kaun se hain. Maan lijiye ये मैं वेरिएशन दिखा रहा हूं किसी फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू किसी वेरिएबल y का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड वेरिएशन इज समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरह का वेरिएशन है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इस लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेसेसरी टू फाइंड द ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ सम फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की बात करें तो आपको क्या लगता है, ये हो सकता है, यहां ये पॉइंट हो सकता है, लीस्ट वैल्यू की बात करें ये हो सकता है और यहां हो सकता है, तो वो हमें पता करनी होती है। And also the corresponding value of the variable for which it gives the desired result. Such values are called the turning values. In values, यहाँ पर जो value होंगी, मान लीजिए a, b, c और d, इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं बच्चों turning values, और extremum, extremum भी कह सकते हैं of the functions. And the points are called the critical points. तो ये a, b, c, d कौन से points हो गए? Critical points हो गए. मीनिंग ऑफ द साइन ऑफ डेरिवेटिव, इसको समझते हैं। माना कि y कोई फंक्शन है x का, देन वी हैव ऑलरेडी प्रूव, पहले हम पढ़ के आए हैं दैट इफ एट एनी पॉइंट x y द डेरिवेटिव dy / dx और f'x इज पॉजिटिव, देन y और fx इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, दैट इज अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं f'a वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब x greater than a, sufficiently near a, उन values के लिए fx less than fa है। पर fx greater than fa होगा for values x greater than a, x से बड़ी value रखते हैं, sufficiently near a। Mathematically आप इसको check कर सकते हैं और already हमने किया है, previous lectures आप देखें। Again, if at any point x y
डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? देन वाई और एफ एक्स डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, यानी हम एक्स को तो बढ़ा रहे हैं, इस साइड में एक्स बढ़ रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है, नीचे जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। दैट इज इफ एफ डैश ए इज नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, इट मीन्स एफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन एफ ए अकॉर्डिंग एज एक्स लेस देन ग्रेटर देन ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सफिशियंटली नियर ए। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे स्टेप्स, फिजिक्स में इसको समझना आसान है बहुत। फ्रॉम वन पॉइंट दिस रिजल्ट कैन बी जनरलाइज फॉर ए रेंज ए बी। तो मैक्सिमम मिनिमा की डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम एट ए इफ एफ ए इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एवरी अदर वैल्यू ऑफ एक्स इन द स्मॉल नेबरहुड ऑफ ए, दैट इज एफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच एंड एफ ए प्लस एच। मान लीजिए पॉइंट सी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे पॉइंट सी ग्राफ में आप देख रहे हैं, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू सी से ज्यादा होगी, एक्स की वैल्यू सी से कम होगी, इस नेबरहुड में सी पर मैक्सिमम होगा फंक्शन। तो वही समझाने की कोशिश की, एच बीइंग एनी स्मॉल बट फाइनाइट क्वांटिटी, दैट इज इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ ए ऑन आइदर साइड ऑफ एफ ए इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। द वर्ड इमीडिएट नेबरहुड शुड बी नोटेड केयरफुल, क्योंकि आगे जाकर तो फिर डिफरेंस आ सकता है, ये भी मैक्सिमा हो सकता है, ये भी मैक्सिमा हो सकता है, पर ये सी जो है ए के इमीडिएट नेबरहुड में नहीं है, ये बात आपको समझनी। सो दिस इंप्लाइज दैट ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज नॉट नेसेसरीली द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एनी रेंज ऑफ एक्स, इनफैक्ट इट मे बी लेस देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स for values of x which do not lie in the neighborhood of a. further a function may have several maxima, jaise yahan par jo graph aap dekh rahe hain ye bhi maxima hai, ye bhi maxima hai, ye bhi maxima. again the function fx is said to have a minimum at x equal to a if fa is less than the values of fx in the immediate neighborhood. ye minimum hai matlab kam hai, to similar rule lag gaya, fa is always less than fa minus h and f a plus h for small finite values of h. it may be again observed that the minimum value at a particular point is not necessarily the least value of f x. minimum ho sakti hai wahan pe, yani ek se zyada minimum ho sakte hai, par wo least hai aisa pakke taur pe hum nahi keh sakte. in any range of x it is the least value only in the immediate neighborhood of the point on either side. furthermore there may be many points of minimum. The above figure exhibits points of maxima at a1, a2, a3. ये a1 हो गया, a2 हो गया, ये a3 हो गया, and minima at ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, b3 हो गया. To establish the first necessary condition for the existence of maxima and minima. क्या शर्त है maxima या minima होने की? Let a be a point of maxima on the curve y equal to fx. ये मान लीजिए है y equal to fx. maxima, let p1 and q1 be two points on the curve on the left and right, p1 and q1, jaisa aap dekh rahe hain, irrespectively, right of a respectively in its immediate neighborhood. then we see that as a point advances from p1 towards a, p1 se a ki taraf ja raha hai, y increase ho raha hai, dekh rahe hain aap, y badh raha hai with x and so dy by dx will be positive. to yahan se yahan tak positive. ऑन द लेफ्ट ऑफ ए पर इधर जा रहे हैं तो वाई डिक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे हम ए से क्यू वन की तरफ जाते हैं तो वाई डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव ऑन राइट ऑफ ए. दस एट ए डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट फॉर ए कंटिन्यूस कर्व डी वाई बाई डी एक्स मस्ट पास थ्रू द वैल्यू जीरो एज इट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. Hence, at the critical point A, dy by dx must be zero. आप किसी दिशा में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं पूर्व दिशा में. अब पश्चिम दिशा में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप रुकोगे,
रुकोगे फिर दिशा बदल सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तो रुके यानी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई। सिमिलरली यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन, कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसकी वैल्यू जीरो होगी किसी ना किसी पॉइंट पर। ये समझाने की कोशिश की, द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए मैक्सिमम एट ए इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। एट दिस पॉइंट से एक्स इक्वल टू ए, अगेन एट बी ए पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑन द कर्व एंड लेट पी टू एंड क्यू टू, बिल्कुल सिमेट्री में हम जा सकते हैं, पी टू क्यू टू की बात कर सकते हैं, तो बी पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमम, और वहां पर भी आप देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम डिस्कशन अगेन, डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई जीरो एट दिस पॉइंट। तो ये कंडीशन हो गई, जब भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो उन पॉइंट्स पर जहां पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां उसका डिफरेंशियल कॉफिशियंट जीरो होगा। सेकेंड नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वी हैव सीन अबो दैट एट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हेंस डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी इट सेल्फ ए डिक्रीजिंग फंक्शन वाइल पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे, अगर वो जीरो नहीं है तो नेगेटिव होगा निश्चित रूप से। दस एट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वाइल डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज नेगेटिव। बच्चों ये सेकेंड कंडीशन आ गई, तो इसको नोट कर सकते हैं आप, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू नेगेटिव आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन होगा मैक्सिमम। अगेन एट ए पॉइंट ऑफ मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस इट साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी इटसेल्फ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो फिर कंडीशन क्या हो गई, मिनिमा की कंडीशन हो गई कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स जहां जीरो था वहां पर फंक्शन होगा मिनिमम। तो इन सबको अगर मैं समराइज करूं, एट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो नेसेसरीली, देन दिस विल बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग एज द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स डी वाई बाई डी एक्स जीरो, यानी जिस एक्स की जिस वैल्यू पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ था, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू सी पर हुआ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमा या मिनिमा होगा, नेगेटिव होने पर मैक्सिमा, पॉजिटिव होने पर मिनिमा। हेंस द प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज एज फॉलोज, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया। पहले आप डीवाई बाई डी एक्स निकालें, उसको जीरो के बराबर रखें और एक्स की वैल्यूज वहां से निकालें, माना कि एक्स की वैल्यू आई ए, अब आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू पता करें, एक्स की वैल्यू ए इसमें सब्सटीट्यूट करें, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू नेगेटिव आता है तो y मैक्सिमम होगा और d2y by dx2 पॉजिटिव आता है तो y मिनिमम होगा, किस पर, x इक्वल टू a पर। मान लीजिए x की वैल्यू ज्यादा आ रही है a से, मतलब 1 से ज्यादा आ रही है, तो a b b पर अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो वहां पर ये मिनिमम हो जाएगा, ऐसे समझना है। तो मैक्सिमम मिनिमम में फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, अभी इतना ही, थैंक यू।